नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उद्योगपति कमलनाथ ने हमीदिया हॉस्पिटल में अपना हाथ का ऑपरेशन करके ये जताने की कोशिश की थी और ये संदेश देने की कोशिश की थी कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा अब ठीक से काम करेगा। लेकिन लगातार कुछ ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश से आ रही हैं जिससे हम कहेंगे कि स्वास्थ्य महकमा जैसा कल था वैसा आज है। जी हाँ, खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहपुर नगर पंचायत से है, जहाँ डॉक्टरों की लापरवाही अस्पताल में गैर मौजूदगी की वजह से एक महिला की मौत हो जाती है, साथ में उसके बच्चे की मौत हो जाती है। लोगों ने हंगामा किया, चक्का जाम किया, कहा कि जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। सड़क पर है, चक्का जाम लगा है, लोग गुस्से में हैं और हो भी क्यों ना, डॉक्टर स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की जान चली गई। जनता और परिजन अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सायपुर नगर पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ड्यूटी डॉक्टर नरालत थे। नर्स के भरोसे यह शासकीय हॉस्पिटल चल रहा था। इसी दरमियान वार्ड नंबर 10 में रहने वाली संतोष लोधी को उसके पति भगवान दास लोधी ने डिलीवरी को लेकर पेट में दर्द के चलते बीती शाम इस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। डॉक्टर की अनुपस्थिति में प्रसव हुआ। नर्स जानकी कुशवाहा ने प्रसव कराया। नवजात बच्ची की मौत हो गई और कुछ घंटों के बाद संतोषी ने भी दम तोड़ दिया। इसी बात को लेकर स्थानीय परिजनों ने जच्चा बच्चा का शव रखकर चक्का जाम किया था। डिलीवरी है 3:05 बजे लुवा ले आए अस्पताल, 11 बजे इनकी डिलीवरी हो गई, अच्छे से हो गई, बच्ची ख़त्म निकली और इनको पार दिया, सब सही थी। 3:00 बजे जे गड्ढ बड्ढ भई, उसके बाद नर्स भाई हनखो टेरू जे कोई नहीं आई यहाँ, मतलब फराई जबकि भड़बड़ा इनके इलाज यहाँ डॉक्टर वगैरह कोई नहीं है, भड़बड़ा जब आई, जब देखो इन कहीं बेहोशी है, इनको डिफर बनाए दे रहा है, सागर ले जाओ, और यहाँ पे कोई जान नहीं थी इसमें। मौके पर स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के साथ SDOP और TI पहुंचे। काफी समझाइश के बाद यह चक्का जाम हटा है। सर क्या मामला था? आज एक शाहपुर में जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई थी, तो आमजनों का कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। इसके संबंध में उन्होंने सबको बस स्टैंड पर रखा था, तो उनसे ज्ञापन लिया गया। ज्ञापन लेने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जो भी संबंधित हैं, मैडम के मतलब कलेक्टर मैडम को निर्देश दिए हैं कि आप अपना ज्ञापन ले आएँ, वो जांच करेंगे, वो जांच करवाएंगे उसके लिए। हाँ, वो संबल कार्ड धारित है, इसलिए उसके मृतक के लिए जो सहायता राशि मिलती है वो राशि दी जाएगी। नियमानुसार जो भी प्रावधान होगा उसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, मगर जो सहायता राशि उसकी कुछ 2 लाख के लगभग है, मगर एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है। जितनी भी राशि की मैंने CMO को बता दिया है, वो CMO राशि के लिए रिलीज कर देगा। नर्स की दलील है कि महिला की ब्लीडिंग ज्यादा होने से उसकी मौत हुई है। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, डिलीवरी आती रहती है, हम लोग जगते रहते हैं, कोई बुलाता है तो दरवाजा तो बंद करते ही नहीं, हम लोग साकर तो लगाते ही नहीं है अंदर के, नहीं बच नॉर्मल नहीं है, उसके फिंगर अटैच हो रहा है हाथ में हमारे। बहरहाल प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम बेहद खराब है। मुख्यमंत्री जी शासकीय हॉस्पिटलों में भर्ती होकर अपना इलाज कराने का संदेश जरूर देते हैं, लेकिन ऐसी लापरवाहियों पर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का संदेश न भाजपा की तरफ से आया, न ही कांग्रेस की सरकार ऐसा संदेश देने का जतन कर रही है। संजीत अहिरवार, सागर एक्सप्रेस न्यूज, शाहपुर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।